bolo sana, swargiya raja ko, sab milkar bolo sana, dharti ke raja ko, bolo sana, swargiya raja ko, sab milkar bolo sana, dharti ke raja ko, bolo sana, swargiya raja ko, sab milkar bolo sana, dharti ke raja ko, bolo sana. ये कौन सवार आता है सूरज से चमकता आता और प्रेम का सागर आके सबके मन को हर्षाता है ये कौन सवार आता है सूरज से चमकता आता और प्रेम का सागर आके सबके मन को हर्षाता है बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना बिछा रास्तों में शाखों को बिछा राहों में और अपना तन मन करो निछावर राजा के चरणों में कपड़ों को बिछा रास्तों में शाखों को बिछा राहों में और अपना तन मन करो निछावर राजा के चरणों में बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना स्वर्गीय राजा को सब मिलकर बोलो सन्ना धरती के राजा को बोलो सन्ना प्रियो जैसा कि आप जानते हैं आज पाम संडे है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। आज के वचन को पढ़ने और सुनने से पहले आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ठीक समय पर जब हम पापी ही थे अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे सके और उसके उस महान बलिदान के द्वारा हम तेरे पुत्र और पुत्रियां बन सकें तेरी निकटता में आ सकें और पिता परमेश्वर अपने जीवन से तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए जो हमें ये दर्शाता है ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर विजय हासिल करी। पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु की इस विजय के लिए जो तूने उसे दी हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को जो आज पढ़े जाते हैं सुने जाते हैं अपनी बरकत दे ताकि इनके द्वारा हम सब आशीष को पा सकें। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रियो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर जो बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचकर एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा उसे खोलकर ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्या करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहाँ
भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर ही कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होसन्ना। ये जो वाक्य आपके सामने पढ़ा गया, इस पूरे वाक्य से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ एक विजयी प्रवेश किया बल्कि उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई भविष्यवाणियों को भी पूरा किया। जकरिया नबी की पुस्तक में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि देखो वो गधी के बच्चे पर बैठा चला आता है। और राजा दाऊद भजन संहिता उसके 24 अध्याय में अगर आप देखें तो 9-7 पद से लेकर 10 पद तक वो कहते हैं कि एक प्रतापी राजा आ रहा है, ये फाट को अपने द्वार ऊंचे करो। तो ये सारी बातें जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से वर्षों पूर्व अपने लोगों के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही थी, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने अनुयायियों से कहा भी था कि मैं व्यवस्था की बातें और परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ। प्रियो, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि ये कैसा राजा है जो गधी के बच्चे पर बैठा चलाता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ राजाओं का राजा है, ना सिर्फ प्रभुओं का प्रभु है, बल्कि वो एक न्यायी परमेश्वर है। धर्मशास्त्र इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का न्याय करेंगे। कयामत के दिन हर मनुष्य का न्याय अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही किया जाएगा। परमेश्वर ने ये अधिकार जो है, न्याय का अधिकार जो है, प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है और प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत का न्याय करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमें पापों को छोड़ने की बात कहते हैं, मन फिराने की बात कहते हैं और इस बात को कहते हैं कि थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तसल्ली की बातें, ये शांति की बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कह सकते हैं क्योंकि उनके पास ये सारी बातें हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ जहाँ तुम्हारे लिए रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु यीशु मसीह जो है जब अपने लोगों का न्याय करेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि वो मेमनों को बकरियों से अलग करेंगे और गेहूं को भूसी से अलग करेंगे। ये परमेश्वर का न्याय है और परमेश्वर अपने न्याय में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता है, चाहे उसकी दृष्टि में वो कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। राजा दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जब दाऊद के जीवन में गुनाह आया, पाप आया, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जो मंदिर तू बनाने जा रहा है वो मंदिर तू नहीं बनाने पाएगा, उसे तेरा पुत्र बनाएगा, क्योंकि तूने बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत से पाप तेरी जिंदगी से हुए हैं, इसलिए ये काम तू नहीं कर पाएगा।
दाऊद को बड़ा दुख हुआ, लेकिन दाऊद परमेश्वर के न्याय को समझता था। इसीलिए भजन संहिता 51 में राजा दाऊद प्रायश्चित की बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पाप निरंतर तेरे सामने बना रहता है। वो कहते हैं कि मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक परमेश्वर उसे शुद्ध ना करे, जब तक परमेश्वर उसे उसके गुनाहों से ना छुड़ाए, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये जो मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, इस अध्याय में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे को खोलने के विषय में कहा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का जो तात्पर्य है वो यही है कि वो हमें हमारे गुनाहों से स्वतंत्र करने आया है, हमारे बंधनों को खोलने आया है और हमें सारी बातों से छुटकारा देने के लिए आया है। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दरिद्रता है, चाहे वो किसी भी तरह के बंधन है, उन सब से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और उसके आने का तात्पर्य यही था। इस अध्याय में जो पढ़ा गया, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से इस गधी के बच्चे को स्वतंत्र किया, उस बंधन से स्वतंत्र किया, उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी स्वतंत्र करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मेरे और आपके जीवन का स्वामी बन जाए। और जब उसे हम अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं तो उसका आत्मा जब हम में समाता है तो हम जो है इतने आनंदित होते हैं, इतने मगन होते हैं कि हम सब कुछ उसके सामने रख देते हैं। जिस तरह से जो लोग यहाँ पर थे, जिन्होंने इस आनंद को महसूस किया, उसके विजयी प्रवेश को महसूस किया, जिन्होंने महसूस किया कि यही जगत का तारणहार है, पालनहार है, जगत का कर्ता है, जगत को चलाने वाला है, तो उन्होंने अपना सब कुछ जो उनके पास था उसके पैरों तले कर दिया। लिखा हुआ है कि लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उस गधी के बच्चे के नीचे डालने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने देखा कि उनके पास कपड़े नहीं है तो उन्होंने खजूर की डालियां काट काट कर उसके पैरों के तले डाली। प्रियो, ये जो खजूर की डालियां हैं ये विजयी होने को दर्शाती हैं, क्योंकि यरूशलेम में जब यहूदी लोग किसी पर विजय हासिल करते थे तो वो खजूर की डालियों को लेकर जय जयकार करते थे। और यहाँ पर भी हम इस चीज़ को देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हुए थे उनके हाथों में खजूर की डालियाँ थी और वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे। और वही चीज़ हम पूरा दृश्य यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग जो है होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो खजूर की डालियाँ ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन आज के इस वर्तमान में परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने कपड़े उसके पैरों तले करें, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम खजूर की डालियाँ उसके पैरों तले करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन उसके चरणों में रख दें ताकि वो हमें स्वीकार करें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमें प्रायश्चित का मौका दे और हमें वो जीवन जो अनंत जीवन है, शाश्वत जीवन है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, वो हमको दे सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।